Here today we start our new chapter, children. Chapter 3 of history portion, the first farmer and herder. So please open your book, page 18. Please open your book, children. See page 18. See what's the chapter name? The first farmer. The first farmer means पहला farmer जो cultivation करता है, जो grow करता है, जैसे किसान है ना. The first farmer and herders. तो इन लोगों की बात करेंगे हम कि कैसे farming start हुई, कैसे herding start हुई. Clear? Herding मतलब क्या होता है? जानवरों को पालने वाली बात. हम जानवरों को पालेंगे तभी तो farming होगी ना. अभी भी traditional way से देखा जाए, ट्रेडिशनल मतलब पुराना वे, पुराने वे से देखा जाए तो ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर कैसा होता है? दो बैल होते हैं, उसमें हल लगा होता है ना, और पीछे जो फार्मर होता है उनको मारता है ताकि वो बैल आगे बढ़े. और ज़मीन क्या होती है? सॉइल को वो बिल्कुल खोदता हुआ, डिग करता हुआ, लेयर बनाता हुआ चलते बढ़े, है ना. ऐसा होता है, हमने कई बार ऐसे पिक्चर्स और मूवीज में देखा होगा, है ना, कि फार्मर दो बैलों के साथ उनको ऐसे लकड़ी मारता है और फिर सामने हल चलता है खोदते हुए ज़मीन, है ना. और फिर वो जो लेयर बनती है उस लेयर में हम क्या करते हैं? सीड्स को डालते हैं और फिर वो क्या होता है? इट दैट सीड कन्वर्टेड इनटू प्लांट्स, तो प्लांट्स में वो कन्वर्ट हो जाता है. तो ऐसी फार्मिंग हमने टीवीज और मूवीज़ में देखी होगी. क्लियर? तो वही पढ़ने वाले हैं हम चिल्ड्रन. सी द नियोलिथिक पीरियड वॉज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज. जैसे हमने लास्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ा चिल्ड्रन नियोलिथिक के बारे में. स्टोन एज के तीन पार्ट्स पढ़े थे हमने. लास्ट पार्ट कौन सा था? नियोलिथिक था. ठीक है. नियोलिथिक पीरियड वॉज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्टोन एज. तो सबसे लास्ट स्टेज था स्टोन एज का. एंड हैज ऑल्सो बीन रिफर्ड टू अ न्यू स्टोन एज. और उसको न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता था. क्लियर? द न्योलिथिक पीरियड लास्टेड फ्रॉम 8000 BCE टिल अबाउट 4000 BCE. इसका पीरियड कब चला चिल्ड्रन? 8000 BCE से 4000 BCE तक चला. किसका पीरियड? न्योलिथिक पीरियड, जिसको हम न्यू स्टोन एज के नाम से जानते थे. इट वॉज कैरेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो इस पीरियड में क्या हुआ था? द लास्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज, दैट मीन्स नियोलिथिक पीरियड. उस नियोलिथिक पीरियड में ऐसा क्या हुआ था? सी इट वॉज कैरेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था. एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. और एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था. डोमेस्टिकेशन मतलब जैसे हम कभी कुत्ता पालते हैं, कभी तोता पालते हैं, कभी बिल्ली पालते हैं, है ना, कभी मुर्गियाँ पालते हैं, होता है ना, अलग अलग लोग अलग अलग जानवर पालते हैं. तो उसको पालने को डोमेस्टिकेशन कहा जाता है. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी हुआ और स्टार्टिंग ऑफ कल्टीवेशन भी हुआ, यानी खेती बाड़ी भी उस समय स्टार्ट हुआ. विच लीड टू द बिगनिंग ऑफ अ सेटल लाइफ. अब ये जो हुआ कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, ये क्या शुरुआत बताता है? लीड टू अ सेटल लाइफ मतलब लोगों ने सेटलमेंट चालू कर दिया था. सेटलमेंट मतलब दे कैन सेटल इन अ वन प्लेस, है ना. पहले क्या होता था? पहले के एजेस में स्टोन एज के कई पार्ट्स में मैंने आपको बताया, तीन पार्ट्स हैं. आगे के दो पार्ट्स में मैंने आपको क्या बताया? द पीपल्स आर मूविंग हियर एंड देयर फॉर सर्चिंग देयर फूड, है ना, कि पीपल्स क्या कर रहे हैं कि अपने फूड्स को सर्च करने में दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं. दे कैन मूव, ओके. बट नियोलिथिक पीरियड जब जो लास्ट स्टेज था स्टोन एज का, उसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग हुई. किसकी स्टार्टिंग चिल्ड्रन? एग्रीकल्चर होने की. एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर करने की, खेतीबाड़ी करने की. और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालने की. भाई मेरे काम का जो जानवर है मैं उसी को तो डोमेस्टिकेट करूँगी ना, मतलब उसी को तो पालूंगी ना, है ना. कि ऐसा तो नहीं कि मैं कोई जानवर उठाई, लोमड़ी लाई और पाल ली, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं. तो मैं ऐसी लोग एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करूँगी, है ना, जिसका मुझे फ़ायदा हो. जैसे डॉग, डॉग डॉग क्या करेगा? जब मैं सोई रहूँगी रात में तो वो मेरी रखवाली करेगा, मेरे टेंट की रखवाली करेगा, मेरे क्रॉप्स की रखवाली करेगा. क्लियर? अब मैं ऑक्स को पालूँगी तो वो क्या करेगा? मुझे एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, होगा. तो ऐसे डोमेस्टिक
ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स को हम डोमेस्टिकेट करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। तो यहाँ पर कोई लिखा हुआ चिल्ड्रन, सी द फिफ्थ लाइन ऑफ द फर्स्ट पैरा, इट वॉज कैरेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर में और डोमेस्टिकेशन मतलब एनिमल्स को पाला गया। एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट और एनिमल्स को पाला गया, क्लियर। द ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम बीइंग फूड गैदरर टू बिकम फूड प्रोड्यूसर। अब ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होना, कि मैं पहले क्या करती थी, फूड को इधर उधर से कलेक्ट करती थी, अब मैं क्या करती हूँ, फूड प्रोड्यूस करती हूँ, उसको कल्टीवेट करती हूँ, एग्रीकल्चर करके अपने ग्रेन्स को ग्रेन्स उगाती हूँ, क्लियर। तो मैं क्या बन गई, मैं एक फूड गैदरर, गैदरर मीन्स फूड्स जो गैदरर करता है, इधर उधर से ये मिल गया, फल मिल गया, ये मिल गया, ये फूल खाया जाता है, ये फल खाया जाता है। तो मैं पहले क्या थी, फूड गैदरर थी। गैदरर मतलब इकट्ठे करने वाली, मैं गई जंगल में फूड इकट्ठा करके ला रही हूँ और फिर खा रही हूँ, तो मैं फूड गैदरर हुई। नाउ आई बिकम अ फूड प्रोड्यूसर। अब मैं क्या बन गई हूँ, आफ्टर सम टाइम जब ये न्यूलिथिक का लास्ट पीरियड चल रहा था, मैं फूड प्रोड्यूसर बन गई हूँ। वॉट आई मेड, फूड प्रोड्यूसर, मैं फूड प्रोड्यूस करने लग गई हूँ, है ना। मैं फूड को प्रोड्यूस कर रही हूँ, मतलब मैं एग्रीकल्चरिस्ट बन गई हूँ, है ना, मैं फार्मिंग कर रही हूँ। सो द ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम बीइंग फूड गैदरर टू बिकम फूड प्रोड्यूसर वॉज द हेल मार्क ऑफ द न्यूलिथिक पीरियड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूलिथिक पीरियड का, क्लियर। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक हियर इन दिस लेसन इज ओरिजिन ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज। ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स व्हाट, क्या ओरिजिन मीन्स, क्या होता है चिल्ड्रन, शुरुआत, क्लियर। ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ, सॉरी इट इज, ओरिजिन ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज, फार्मिंग कम्युनिटीज। सो ओरिजिन मीन्स क्या होगा, शुरुआत, है ना, शुरुआत किसकी, फार्मिंग कम्युनिटी की, खेती बाड़ी की, हाँ खेती की, है ना। तो ओरिजिन कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई, क्लियर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सीधा फर्स्ट पैरा। ओरिजिन ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज, इट इज नॉट नोन हाउ अर्ली ह्यूमन एग्जैक्टली लर्न द आर्ट ऑफ फार्मिंग। एग्जैक्टली हम तो नहीं बता सकते इस पैर, इस लाइन्स में ये कहा गया है, इट इज नॉट नोन हाउ अर्ली ह्यूमन, अर्ली ह्यूमन मीन्स वॉट, पहले के जो लोग थे, क्लियर, अर्ली ह्यूमन एग्जैक्टली लर्न द आर्ट ऑफ फार्मिंग, कैसे ये कला सीखा उन्होंने, कला मतलब आर्ट सीखा, कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि पहले के लोगों ने खेती बाड़ी करना कैसे सीखा, क्लियर। इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट अर्ली ह्यूमन्स एक्सीडेंटली डेवलप द मेथड ऑफ फार्मिंग। एक्सीडेंटली इट हैपन्स, अचानक हुआ, एक्सीडेंटली, ओके। इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट अर्ली ह्यूमन एक्सीडेंटली डेवलप द मेथड ऑफ फार्मिंग। डेवलप हो गया, ये एक्सीडेंटली डेवलप हो गया। सीड मे हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड स्प्राउटेड। क्या हुआ कि कुछ सीड, बीज जो होते हैं ना, फॉलन ऑन द ग्राउंड, फॉलन मतलब गिर गए, ग्राउंड पर गिर गए, एंड स्प्राउटेड, और उन बीजों में से क्या निकला, यस प्लांट डेवलप हुआ, स्प्राउटेड हो गया। स्प्राउट खाते हो ना आप, मूंग खाते हो, हम भिगा के रखते हैं फिर उसको बांध के रखते हैं, तो उसमें स्प्राउट होते, जड़ें निकलती है, देखा आपने, उसको स्प्राउटेड होता है। कि उस समय भी ऐसा हुआ कि सीड फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड स्प्राउटेड, मतलब वो फट के क्या हुआ, उसमें जड़ बाहर निकल गई, क्लियर। सीड मे हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड स्प्राउटेड, दे मे हैव लाइक द टेस्ट ऑफ द ग्रेन। फिर वो ग्रेन को उन्होंने खाकर देखा, टेस्ट अच्छा लगा, दैट ग्रो ऑन द प्लांट। फिर वो जो बच गए वो किसमें कन्वर्टेड हो गए, ऑन द प्लांट, प्लांट में कन्वर्ट हो गए। द अर्ली ह्यूमन सम हाउ मे हैव लिंक द कनेक्शन बिटवीन प्लांट एंड सीड।
तो पहले के जो लोग थे उन्होंने लिंक बनाना चालू कर दिया कि प्लांट और सीड में क्या रिलेशन है ना, सीड को गिराओ है ना तो वो कन्वर्टेड हो जाते हैं स्प्राउट में, फिर वो प्लांट में कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप होता है ना, इस तरीके से उन्होंने सीखा, देख देख के सीखा कि इसके बाद ये होता है ना कि ज़मीन गलत, ज़मीन जो सीड्स होते हैं वो गलती से वेट है ना, मतलब गीले गीली ज़मीन पर गिर गए, देखा एक दो दिन के बाद तो उसमें जड़ें फूटने लग गई, फिर देखा कि बाकी जो सीड्स बचे थे हाँ उसमें प्लांट ग्रोन अप करने लगे, पत्तियाँ आ गई है ना। तो इस तरीके से उन्होंने आइडियाज लगाया और फिर आगे की प्रोसेस चालू हुई। सी सीन्स प्लांट कुड नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स तो डेवलप हो गए सीड्स थे ठीक है, सीन्स प्लांट कुड नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अर्ली ह्यूमन डिसाइडेड टू स्टे इन वन प्लेस। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे ओके उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सेटल्ड हियर है ना, कि हमें यहीं पर सेटल्ड होना चाहिए। दे सून रियलाइज्ड वाटर वुड हेल्प प्लांट ग्रो एंड देयर फोर सेटल्ड इन प्लेस। फिर उनको सून रियलाइज हुआ कि प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चीज़ हेल्पफुल है, वाटर क्लियर। दे सून रियलाइज वाटर वुड हेल्प प्लांट ग्रो एंड देयर फोर सेटल्ड इन प्लेस वेयर वाटर वॉज ईजिली अवेलेबल। तो हमें उसी जगह पर सेटल होना चाहिए जहाँ पर वाटर ईजिली अवेलेबल हो ओके उन्होंने पहले रियलाइज किया कि कैसे सीड टू प्लांट कन्वर्ट होता है, फिर रियलाइज किया कि कैसे वाटर इम्पॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए ओके फिर उन्होंने सेटलमेंट चालू किया जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ईजिली अवेलेबिलिटी हो, मतलब ईजिली अवेलेबल हो है ना। फिर देखा कि दे सून रियलाइज वाटर वुड हेल्प प्लांट ग्रो एंड देयर फोर सेटल इन प्लेस वेयर वाटर वॉज ईजिली अवेलेबल, और उनको ऐसी जगह पर सेटल होना चाहिए जहाँ पर वाटर ईजिली अवेलेबल है। वॉट एवर मे हैव बीन रीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इट इवेंचुअली रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये जो स्टेप्स था चिल्ड्रन है ना, सीड का गिरना, स्प्राउटेड होना और फिर इट कन्वर्टेड इंटू प्लांट, फिर इट इज़ नेसेसरी प्लांट वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट, ये रियलाइजेशन होना एंड दे कैन सेटल इन अ वन प्लेस, ये जो शुरुआत हुई ये एक डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। जो आगे लाइन में लिखा गया है कि देखो इट इवेंचुअली रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट में चेंजेस आया, अचानक ये चेंजेस आया है ना, कि लोग पहले दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और फिर अब क्या हो गया, दे कैन सेटल इन वन प्लेस फॉर फार्मिंग, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए ऐसी जगह सेटल हुए जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है। क्लियर, यहाँ तक के आपको समझ में आया चरण। सीधा नेक्स्ट पैरा, इन कंपैरिजन विद द अर्लियर पीरियड ऑफ स्टोन एज द क्लाइमेट बिकम वार्मर, दीज क्रिएट एन आइडल एनवायरमेंट फॉर क्रॉप्स टू ग्रो। अब धीरे धीरे उनको क्या रियलाइज हुआ कि वार्मर, मतलब बोला जाए देखो इन कंपैरिजन विद द अर्लियर पीरियड ऑफ स्टोन एज द क्लाइमेट बिकम वार्मर, जो क्लाइमेट वार्मर होता है गर्म ओके, दिस क्रिएट एन आइडल एनवायरमेंट टू क्रॉप्स टू ग्रो। उनको फिर ये रियलाइज हुआ कि जो वार्मर क्लाइमेट है, मतलब थोड़ा गर्म है ना, इट इज़ आइडल क्लाइमेट टू ग्रो क्रॉप्स, ये एक अच्छा मौसम है जिसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ये रियलाइज हुआ। फिर पानी की ज़रूरत पड़ी, पानी की इम्पोर्टेंस पता चली है ना, फिर अब क्लाइमेट की इम्पोर्टेंस पता चलती है। सो द पीरियड ऑल्सो सॉ एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विच कुड नो लॉन्गर बी सस्टेन्ड थ्रू हंटिंग गैदरिंग अलोन। अगेन आई रिपीट दिस लाइन चिल्ड्रन, द पीरियड ऑल्सो सॉ एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, सेटलमेंट हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, विच कुड नो लॉन्गर बी सर्टेन थ्रू हंटिंग गैदरिंग अलोन। अब धीरे धीरे हंटिंग गैदरिंग अलोन ही नहीं रह गया था, क्लियर, और डेवलपमेंट भी चालू हो गए थे। हंटिंग गैदरिंग मतलब शिकार करना, फूड गैदर करना, ये सब चीज़ नहीं, लोग एग्रीकल्चरिस्ट भी बन गए थे है ना, एक जगह सेटल होकर। ये दोनों चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ भी इन्वॉल्व हो गई थी। सी द न्यू डिमांड फॉर फूड वॉज नाउ सप्लीमेंटेड विद द न्यूली एक्वायर्ड स्किल ऑफ फार्मिंग। अब न्यू डिमांड ऑफ फूड्स,
चालू हो गई, न्यू डिमांड्स ऑफ फूड, मतलब अलग अलग टाइप वैरायटी ऑफ फूड्स हम कल्टीवेट करने लगे धीरे धीरे, और फिर एक्टिव जो होती है स्किल ऑफ फार्मिंग चालू हो गई। अभी देखो स्किल ऑफ फार्मिंग मतलब क्या कि किसान अभी कितने टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, अच्छे सीड्स लेते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी मतलब पानी अच्छे से दिया जाता है, कीड़े लगने पर दवाइयाँ डाली जाती है, तो स्किल्स है ना, अलग अलग स्किल्स डेवलप हो गई फार्मिंग में और धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगा। तो यहाँ तक हम आज का पीरियड ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट पैरा कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा रिविजन भी करेंगे आगे के पैराज का। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।